लगता है कि आज़ादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली थी। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। इसके अलावा गठबंधन के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। ये रैली 3 घंटे तक चली, जिसमें गठबंधन के 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया।